तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं शायन आपके लिए एक न्यू वीडियो। तो क्या हो गया, तो बहुत दिन के बाद आया हूँ वीडियो पर, मतलब बहुत गैप हो जा रहा है। तो हम तो एक राइड का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी एक मतलब दो तीन वीडियो आ जाएगा, राइड का जो वीडियो वो आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पहली बात, आज का वीडियो कोई मोटो व्लॉगिंग नहीं है। तो आज मेरा बाइक में ये जो तीसरी बार है जब मैं मोबाइल को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले डाल मतलब पहले यामा का जो मोबाइल आता था वो मोबाइल डालता था मैं, मतलब यामा का मोबाइल पहले डाला था, देन कैस्ट्रल, तो अब लिकोमल यूज़ करूँगा। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। और लिकोमल का जो परफॉर्मेंस पैकेज है उसको मैं ऑर्डर दिया था, तो आज आया, कुछ टाइम पहले आया था, मैं आया था मेरे पास। तो चलो फटाफट दिखाते हैं उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो और एक काम करना है आपको, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाने के बाद फॉलो कर दो, और मेरे इस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि इतना धूप में छत के ऊपर आकर वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलो तो ये देखो, ये है बॉक्स, ये मैं अमेजोन से मंगाया था, मेरा पा भी आ गया घर मेरा। तो ये मैं अमेजोन से मंगाया था, तो इसका जो प्राइस कितना पड़ा, ये 1619 रुपीज़ पड़ा है। तो इसको लेने के लिए मतलब इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जिसका भी इंटरेस्ट होगा। तो ये R15M में भी चलता है और R15 Version 3 में भी चलता है, तो इसको यूज़ कर लेना। तो क्या क्या है इसके साथ तो दिखा देते हैं पहले। और एक ख़ास चीज़ जो इस बॉक्स का खासियत है दिखा देते आपको, कैसा लगा। अलग ही है, अलग ही लेवल का। तो व्हाट अनबॉक्सिंग, मतलब अलग ही लेवल का अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये लिकोमल का 10W40 और मेड इन जर्मनी, और जर्मनी का प्रोडक्ट है तो अच्छा तो होगा ही। और पीछे कुछ लिखा है तो आपका पढ़ने का ज़रूरत है तो पढ़ लेना। और ये 1 लीटर का है, और इसके साथ एक फ्यूल सिस्टम क्लीनर मंगाया था, मतलब जो परफॉर्मेंस पैकेज है, ये 80ml का, ये भी मेड इन जर्मनी, मतलब लिकोमल तो जर्मनी से आता है। और इस इधर पे देखो दिया हुआ है कि फोकस ले ले, 5 to 10 लीटर पेट्रोल में ये जो 80ml है इसको डालना पड़ेगा। 40 एडिटिव शूटर फ्यूल सिस्टम क्लीनर, ये देखो लिखा हुआ है इधर पे। और इसके साथ एक इंजन फ्लशर है, ये भी मतलब क्या बोल रहा हूँ, तो इसको मतलब इधर पे क्या लिखा है मुझको कोई समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश तो नहीं है, कौन सी भाषा है। तो इसको बाइक में डालना पड़ेगा, मतलब इंजन ऑयल को चेंज करने से 10 मिनट्स पहले इसको बाइक के अंदर डालना पड़ेगा, मतलब बाइक का जो जिधर से मतलब मोबाइल डालता है उधर से इसको डालना पड़ेगा। डालने के बाद 10 मिनट तक बाइक को स्टार्ट करके रखना है, ताकि ये जो एडिटिव शूटर है मतलब इंजन फ्लशर, ये अच्छे से इंजन ऑयल के साथ मतलब एक साथ हो जाए। और उसके बाद इसका काम है कि इंजन में जो भी मतलब गंदगी रहता है उसको निकल देगा इंजन ऑयल ड्रेन होने के टाइम में। और इसका जो काम है, ये फ्यूल सिस्टम क्लीन कर देगा, जो FI सिस्टम होता है ना बाइक का, जो V6 का जो बाइक है उसका जो FI सिस्टम है उसको क्लीन कर देगा ये। और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आएगा ये तो मुझको ठीक से पता नहीं है। और इसका तो वही काम है जो आपका बाइक का मतलब जो भी गंदगी रहेगा इंजन के अंदर वो पूरा निकल देगा। और ये इंजन ऑयल डालने के टाइम इसको यूज़ करना है ऑयल एडिटिव MOS2 शूटर। तो ये बेसिकली
आपका जो मूविंग पार्ट्स होता है इंजन के अंदर उसको सही से रखता है, मतलब ये ऑयल की तरह काम करता है। ये तो ऑयल है, इसके अंदर इसको डालने से ये मतलब जो मूविंग पार्ट्स है उसको अच्छा रखेगा, कभी भी घिस नहीं जाएगा, इसलिए इसको यूज़ करना है। तो ये 1690 रुपीज़ पड़ा है इस ये फुल पैकेज हम मुझको। तो अभी तो दोपहर है, तो शाम के टाइम जाएंगे और इसका साथ मोबिल फिल्टर भी चेंज करना चाहिए। अब भी जब भी आपका बाइक का मोबिल चेंज करना होगा तब मोबिल फिल्टर को चेंज कर देना, ठीक है ना, आपका बाइक का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो चलो इधर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और हमारा अनबॉक्सिंग कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है ना, ऐसा अनबॉक्सिंग कोई नहीं करता। तो चलो, तो फ्रेंड्स तो अभी तो दोपहर के मतलब 3:30 बज रहा है, 3:30 या 4 बज रहा है, तो ठीक से घड़ी को नहीं देखा। तो अभी तो हम जा रहे हैं मोबाइल को चेंज करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो गैरेज है उधर पे जाएंगे, तो मोबाइल फिल्टर भी चेंज करेंगे, मोबाइल फिल्टर मिलेगा तो इधर पे चेंज करना, वरना हावड़ा जाना पड़ेगा मोबाइल फिल्टर को लेने के लिए, क्योंकि जब भी मोबाइल चेंज करना तब मोबाइल फिल्टर को भी चेंज कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल फिल्टर ही पूरा मतलब जो गंदगी रहता है वो सूख लेता है, सूख लेता है मतलब ले लेता अपने अंदर, क्या बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो उधर पे जाकर आपको सर मिलता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस इंजन फ्लशर को बाइक के अंदर डाल दिया है, तो डाल देने के बाद बाइक को थोड़ा टाइम के लिए तो स्टार्ट रखना पड़ेगा, तो इसलिए बाइक थोड़ा टाइम के लिए स्टार्ट है। तो इसके बाद इसको चेंज कर दें मतलब मोबाइल को ड्रेन कर देंगे। तो वीडियो पे बने रहो और देखते जाओ। तो गाइस अब इंजन का जो मतलब मोबिल ड्रेन हो जाएगा, देखो तो गाइज ये देखो नया मोबाइल फिल्टर भी आ गया है, तो इस मोबाइल फिल्टर को लगाएंगे अब।
ये 10W40 फुल सिंथेटिक, ये मोबिल डालते हैं 1 लीटर है, और ये एयर डिप शूटर। और हाफ डालने के बाद इसको डालना पड़ेगा। এটা দিও अभी, तो इसको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ।